तो जैसा आपने देखा कि पहले ठट्ठे उड़ाते रहे, न सिर्फ मोहतरम इमरान खान साहब, ठट्ठे उड़ाते रहे और कहते रहे ये तो इलीट के लिए, इलीट के लिए है ये जो लॉकडाउन किया गया है, ये गरीब आदमी को जो है ये कत्ल किया जा रहा है और ये उमरा को जो है ये फ़ायदा दिया जा रहा है, उस तबके को दिया जा रहा है, अशराफिया को जो है नवाजा जा रहा है वगैरह वगैरह। और आज के और कल के उनके बयानात को देखिए और इसी से बदकिस्मती से जितनी एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई, मैं पाकिस्तान के आवाम को मासूम समझता हूँ इसलिए मैं उनको जो है मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहता। जब आपका खुद एक प्राइम मिनिस्टर जिसको एक सिंबॉलिक होकर एक जो है अपने आप को मिसाल के तौर पर पेश करना चाहिए, जिसकी विजन बड़ी वाज़े होनी चाहिए कि इसको जो है किस तरीके से हमने कोरोना से निपटना है, अगर वो ही ठट्ठे उड़ा के मजाक करता रहे और सूबाई हुकूमतों को, देखिए सिंध हुकूमत पे आप जितना मर्जी इल्ज़ाम लगा लीजिएगा लेकिन सिंध का कम अज़ कम विजन इस मामले में बड़ा वाज़े था। बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पर रोज़े अव्वल से नज़रिया बड़ा वाज़े था। मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर सिंध का बड़ा बहुत जो है क्लैरिटी के साथ उनका जो है इस मामले में जो है विजन था। इसलिए आप भले हमें इल्ज़ाम देते रहिएगा लेकिन आप आज जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आपको जो कहा है कि ये कीजिएगा और दो दो हफ्ते का कम अज़ कम जो है कंप्लीट लॉकडाउन करें और दो हफ्ते रिलीज़ अगर करना है तो दो हफ्ते कंप्लीट लॉकडाउन करें, ये आज की ही आप देखिएगा सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की शासुर्खियाँ बनी हुई हैं। तो कम अज़ कम दुनिया ने तो आज माना है कि ये इसका हल जो है क्या हो सकता है या किस तरह इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, किस तरह इसको फ्रीज़ किया जा सकता है, किस तरह इसको साकित किया जा सकता है। अभी तक ये तो मानी हुई बात है कि अभी इसका इलाज नहीं आया, इस वायरस का इलाज बदकिस्मती से अभी तक इजाद नहीं हो पाया है और कोई कहते हैं कि अभी इसमें कम से कम साल या डेढ़ दो साल के लगेगा इसको करने में। सो पाकिस्तान के आवाम को और पाकिस्तान और दुनिया को कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। अब आपको जो है कोरोना ने अब फैसला करना है कि वो जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता या कब जाएगा या कब नहीं जाएगा। जो हमारे हाथ में, पाकिस्तान के हुक्मरानों के हाथ में जो एक था कि वो किस तरह इसको रोक सकते हैं, जिस तरह न्यूजीलैंड ने रोका, जिस तरह बाकी ऐसे मुल्क दो तीन हैं जिन्होंने इसको रोका, उन्होंने जिस तरह से किया वो उनके एक जो हुक्मरान तबका था जो उन्होंने एक वाज़ेह तौर पर विजन और पॉलिसी के ज़रिए एक इसको इसका तदारक किया। हमारे हाथ से अब निकल चुकी ये बात। हमारा जो हुक्मरानों के पास एक टाइम स्पेस था, जब हमने इसको खोल दिया, जब हमने जो है ईद की शॉपिंग करवाई, जब हमने उसको तरजीह दी कि हम जो है ईद के कपड़े ख़रीदें और मौत को अपने गले लगाएं, हमने जब ये तरजीह दी कि हमारा जो है एक गरीब जो तबका है वो उसको किस तरह से हमने जो है रोज़गार फराहम करना है या उसको किस तरह से उस पर लगाना है, और उनको भी हमने मौत दी और मौत 22 करोड़ अवाम को हमने जो है ओपन कर दी, तो हमारे हाथ से उसका जो है वो गुजर गया। अब कोरोना ने फैसला करना है कि वो हम पर रहम खाती है, वो जाता है या कोरोना जो है कब जाता है, किस वक्त जाता है, किस तरीके से जाता है, किस अंदाज से जाता है, किस खानवादे को जो है तबाह करता है, किसकी ज़िंदगी लेता है, किसको अजियत और कर्ब में डालता है। ये है हमारे हुक्मरानों का माशाल्लाह, अगर मैं इहाता करता चलूँ ये है उनका। अब देखिएगा कि क्या बदकिस्मती, देखें क्या हुआ इस पर। इस पर हम तो आज वकला की, इसलिए मैं ने यहाँ चूज़ की ये बात कि हम वकला को न सिर्फ ये कि फेस मास्क जो है से फराहम करें, न सिर्फ ये कि हम सैनिटाइजर्स फराहम करें, न सिर्फ ये कि हम ग्लव्स फराहम करें, बल्कि हम जो वकला का स्टाफर्स हैं, जो स्टाफ हैं, जो उनके मुंशी हैं, जो उनके जो है ऑफिस बॉय हैं, जो उनके मुलाजमीन हैं, जो खिदमतगारी करते हैं, उन क्लाइंट्स की भी जो आते हैं उनको पानी चाय वगैरह देते हैं, उनके लिए भी एक जो है पैकेज हम लेकर आए हैं ताकि हम अपने इन भाइयों की इस मुश्किल घड़ी में, इस मुश्किल घड़ी में न सिर्फ यहाँ से आगाज़ करें बल्कि PLF सारे पाकिस्तान में, चूँकि हमारी तंजीम जो वकला की हैं वो न सिर्फ सूबों में है जिसका मैं सरबरा हूँ मरकज़ी,
نہ صرف ڈویژنز میں ہے، نہ صرف اضلاع میں ہے، بلکہ سب ڈویژنز تک ہماری جو ہے وکلا کی تنظیمیں موجود ہیں. لاہور میں بھی میں نے جو ہے لاہور بار کو ہم نے جو ہم خدمت کر سکتے تھے ہم کر رہے ہیں، اور یہاں سے شروعات بھی کی ہے، اور پی ایل ایف سارے پاکستان میں انشاءاللہ کرے گی. اس سے ہم آگے ہی اپنے وکلا کو بھی دیں گے کہ اگر آپ نے یہ خدمت کرنی ہے، چونکہ سب سے زیادہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ڈاکٹرز کا، ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کا، جو اپنی زندگی جو فرنٹ فٹ پر کھیل رہے ہیں اور اپنی زندگیاں قربان کر رہے ہیں آپ کے مستقبل کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے، ان کی زندگی کے لیے، ان کی سانسوں کے لیے، ان خانوادوں کی جو ہے سہولت کے لیے اپنی اپنی زندگی بھی داؤ پر لگا رہے ہیں. اور بے پناہ ہمارے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس جو ہیں وہ نہ صرف انہوں نے شہادت قبول کی ہے بلکہ وہ اس کے مرض میں بھی مبتلا ہوئے ہیں.